स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए सर विधानसभा, और यही नहीं पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने जो मौका दिया है तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। सर विधानसभा इलेक्शन में 10 की 10 सीटें आप जीती थी, ये लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या रहेगा चैलेंज? मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है, इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी धूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है कब घटाई जाती है जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है। और इस चुनाव में भी मैं समझता हूँ फिरका परस्त ताकतों को खाद फेंकने का काम आजमगढ़ बीजेपी कह रही है। सांसद बनने पर धर्मेंद्र जी का डेरा आजमगढ़ में रहेगा या अखिलेश यादव जीत रहे लखनऊ? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आजमगढ़ की जनता ने जो लाड़ दुलार सम्मान यहाँ की जनता ने दिया है, हम लोग जीवन पर्यंत भी सेवा करेंगे, तो आजमगढ़ के लोगों से कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते।